हेलो गाइस, तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस के 29 जून के एडिशन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसमें और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही एक फ़ोटो है जिसमें CGI एक बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस फोटो पे भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ गया है, क्योंकि ट्विटर पे एक RTI एक्टिविस्ट ने ये फाइंड आउट करा है कि इस बाइक पे जो नंबर लिखा हुआ है वो एक BJP के MP के नाम MP के बेटे के नाम पे रजिस्टर्ड है। हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, देन इसमें सबसे पहले हमें पता है चाइना के साथ हमारा इशू चल रहा है, जिसमें 15 जून में LIC पे गलवान वैली में भारतीय 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें चाइना के साथ लड़ाई करते हुए, ठीक है, फेस ऑफ हुआ था जब चाइना के साथ। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है इस न्यूज़ में, इसमें बोला है कि टॉक्स विल कंटिन्यू बट मिलिट्री पुश बैक ऑल्सो ऑन दिल्ली टेबल। जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि इंडिया ने जब डोकलाम इशू हुआ था उसमें एक अपनी चेंज्ड पॉलिसी दिखाई थी, जिस पॉलिसी के तहत उसने क्या किया था कि डिप्लोमेटिक टॉक्स में तो हम स्ट्रांग रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ हम ग्राउंड पोजीशन पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। मतलब हम दोनों वे से चाइना को कवर अप करेंगे, जिसमें पहला होगा कि हम डिप्लोमेसी के थ्रू चाइना को कवर करेंगे, और सेकेंड होगा कि ग्राउंड पोजिशन पर भी हमारी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग पोजिशन में रहेगी। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, द व्यू इन द गवर्नमेंट इज़ दैट इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ये जो एक पॉपुलर लाइन है हम एथिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको एथिक्स थोड़ा सा कनेक्ट करना है। एथिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एक होता है डियोन्टोलॉजी एथिक्स, इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत की एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें जिसे हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव बोलते हैं, और दूसरा है आपका कैटेगरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगरी इम्पेरेटिव कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो यही बोलता है यदि आप कर्म करने से पहले ही उसके फल के बारे में सोचोगे, यानी उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचोगे, तो आप कभी भी वो काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका कैटेगरिकल इम्पेरेटिव बोलता है कि कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, प्रति व्यक्ति को जो उसको ड्यूटी असाइंड है वो ही करनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी इफ और बट। ठीक है, यही सेम चीज़ आपने महाभारत में भी पढ़ी है, जिसमें कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं, जब अर्जुन अपने रिलेटिव्स के अगेंस्ट वॉर लड़ाई करने से घबरा रहे होते हैं, तब कृष्णा उनको बोलता है कि एक योद्धा की ड्यूटी होती है कि वो पूरे जी जान से अपनी लड़ाई लड़े, ठीक है, सामने चाहे कोई भी हो, क्योंकि आप एक इविल के अगेंस्ट लड़ रहे हो, आप एक गलत के अगेंस्ट लड़ रहे हो, तो जो चाहे गलत में चाहे आपके रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, आपको अपना धर्म निभाना है। ठीक है, ये लाइन कृष्णा ने अर्जुन से महाभारत युद्ध से पहले भी कही थी। तो ये लाइन हम बेसिकली कैटेगरिकल इम्पेरेटिव में पढ़ते हैं, इमैनुअल कांत की एथिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, जिसमें उसने साफ साफ बोला है कि कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो हमें वो काम करना चाहिए जो हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो आप ये लाइन यहाँ से इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और आपको मेंस में कहीं भी आप एथिक्स में कहीं भी कोट कर सकते हो कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट यदि आप कॉन्सिक्वेंस यदि आप फल के बारे में पहले से सोचने लगोगे तो आपको आप वो कार्य कभी भी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या बोलते हैं कि अब ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है। देखो, सबसे पहले इसमें रीज़न दिया गया है दैट चाइनीज रिस्पॉन्स आफ्टर द किलिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स हैज़ नॉट इंस्पायर्ड एनी कॉन्फिडेंस दैट बीजिंग इज़ लुकिंग एट लोवरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, अब इतना कुछ होने के बाद भी बीजिंग की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं लगा है भारतीय सरकार को या भारतीय विशेषज्ञों को, जिससे ये लगे कि चाइना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। ठीक है, इनफैक्ट चाइना शुरू से ही इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि इंडिया ने ही LOC पे जो LAC पे जो स्टेटस क्यू है उसको वॉयलेट किया है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है इसमें। देन प्लेस सेकंड प्लेस में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये वाला कुछ मैंने हाईलाइट कर दिया है जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा।
इस न्यूज़पेपर में, जैसे देयर ओनली रिस्पॉन्स सो फार हैज़ बीन दैट इंडिया इज़ एट फॉल्ट, दैट इंडिया इज़ टू ब्लेम फॉर द बिल्डअप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चाइना की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे भारतीय सरकार या भारतीय विशेषज्ञों को लगे कि चाइना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है। वो शुरू से सिर्फ इतना ही बोलते आ रहे हैं कि इसमें इंडिया की ही गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई भी LAC वॉयलेट नहीं किया है। गलवान वैली चाइना की टेरिटरी के तहत आता है, वो भारतीय टेरिटरी में नहीं आता है। ठीक है, उनका कंटिन्यूस स्टैंड यही है, वो बात ही मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, देन इसमें बोला है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि हम चाइनीज़ आइटम्स को बैन क्यों नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज इंडिया गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि उसने चाइनीज़ की 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, बट वो एक डिफरेंट थिंग है और यहाँ हम एक डिफरेंट थिंग की बात कर रहे हैं। वो एक डिजिटल वर्ल्ड है, वो डिजिटल ऐप्स हैं। यहाँ पर जो ये लाइन उन्होंने बोली है, एक अच्छी लाइन बोली है कि चाइना हमारे एक सप्लाई चेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और यदि हम वो सप्लाई चेन तोड़ते हैं तो हम एक डीकपलिंग चैलेंज फेस कर लेंगे, मतलब एक आइसोलेशनिस्ट, मतलब अपनी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग को हम ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। क्योंकि देखो, जैसे हमने पहले ही बात करी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने BSNL MTNL को बोला है आप अपने जो 4G और 5G इक्विपमेंट्स में आप चाइनीज़ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल मत करो, ठीक है, आप डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग को बूस्टअप करो। यही सजेशन उन्होंने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ को भी दिया है, पर इन रिस्पॉन्स में इन प्राइवेट कंपनीज़ ने बोला है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। तो यानी कंपनीज को भी पता है कि जो चाइनीज आइटम्स हैं, जो चाइनीज सप्लाई चेन है, जो चाइनीज रॉ मटेरियल है, वो काफ़ी कम कॉस्ट में हमें मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो यदि हम चाइनीज से अपना सप्लाई चेन रॉ मटेरियल स्टॉप करना चाहेंगे तो उससे हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, देन ये ऐसे कुछ वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, डीप ट्रस्ट डेफिसिट जैसे वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना है अपने मेन आंसर राइटिंग में। ठीक है, देन इसके बाद ओली, जो हमारा जो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, उसने जो अभी इंडिया को ब्लेम करा है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो टेंशन चल रही है रिगार्डिंग द 3 एरियाज लिपुलेक, काला पानी एंड लिम्पुदोरा, उसके बाद भारतीय सरकार नेपाली सरकार को गिराना चाहती है। ठीक है, ये एक इसने ब्लेम करा है इंडियन गवर्नमेंट को। हालांकि इसमें सच कुछ भी प्रूफ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमें रेयरली लिखनी होती है एग्ज़ाम में। हालांकि आप जब भी इंडिया नेपाल के बारे में करंट इशू लिखोगे तो आप ये भी लिखोगे कि वहाँ के, ये भी आप एग्ज़ाम्पल कोट कर सकते हो कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, उसने ये स्टेटमेंट लिखी है। दैट मीन्स अगेन देयर इज़ सम ट्रस्ट डेफिसिट, एक विश्वास गैप, एक विश्वास गैप आता है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसको नेपाल, जिसको इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक चैनल से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देन इसमें देखो ये वाली जो न्यूज़ है, तमिलनाडु में पुलिस ऑफिसर्स के कस्टडी के यानी इन्वेस्टिगेशन के तहत दो अरेस्ट किए गए पर्सन यानी फादर और सन की डेथ हो गई है। तो इसके बाद से कस्टोडियल टॉर्चर पे फिर से डिबेट उठ गई है। ठीक है, देखो क्या होता है कि कस्टोडियल, अब इससे मेन्स इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, आपको सबसे पहले तो ये एग्जांपल कोट करना है। कहीं भी आप पुलिस रिफॉर्म्स पे बात करोगे आपको ये एग्जांपल कोट करना है, तमिलनाडु वाला। अब पुलिस रिफॉर्म्स पे हम जब बात करते हैं, हमें तो ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, उस पर हम हमेशा बात करेंगे। लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है, और जो बहुत सारी कमिटीज़ बनी हैं जैसे पद्माभिया कमेटी हो गई आपकी, सौरभ जी कमेटी हो गई, और बहुत सारी कमेटीज़ अभी तक पुलिस रिफॉर्म से बनी है, उन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि सेकेंड ARC टॉर्चर्स और कस्टोडियल डेथ्स के बारे में कुछ बोलता है, उसने ये रीजन दिया लॉ कमीशन और ARC जो सेकंड रिपोर्ट आई थी, उसने ये बोला है कि जो पुलिस स्टाफ है वो सबसे पहले तो अंडर स्टाफ्ड है, मतलब वहां पे स्टाफ की कमी है, तो एक पर्सन के ऊपर उसकी लिमिट से ज्यादा वर्कलोड प्रेशर है। ठीक है,
दूसरा उसने बोला है कि प्रॉपरली इन पुलिस ऑफिसर्स के पास ट्रेनिंग नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने की, ना ही इनके पास लीगल नॉलेज है, लीगल नॉलेज की भी कमी है कि हमें किस टाइप से एविडेंस को इकट्ठा करना है और किस टाइम किस कौन से एविडेंस एडमिसिबल हैं, कौन से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। तो यही एक कारण है कि वो एक टॉर्चर को अपनाते हैं ताकि एविडेंस कलेक्ट कर सकें, एविडेंस गैदर कर सकें। तो इस टॉर्चर के बीच बीच में जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसकी बहुत टाइम्स कस्टोडियल डेथ भी हो उस बहुत टाइम डेथ भी हो जाती है, जिसको हम कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसने ये अपनी रिपोर्ट में ये सजेशन दिया है कि हमें तीन लेवल पर यानी तीन स्तर पे हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बढ़ाने में। पहला कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनको जवाबदेही बनना है अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के प्रति, यानी यदि ऐसा कुछ भी होता है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आंसरेबल होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट यानी जो MP MLA हैं उसको आंसरेबल होगा वो लीडर वो ऑफिसर। उसके अलावा दूसरे स्तर पर वो जो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जैसे कमिश्नर वगैरह उनको भी आंसरेबल होना चाहिए। और तीसरे स्तर पे एक इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग कमेटी होनी चाहिए जो पूरे इन्वेस्टिगेशन मैटर को पूरे कस्टोडियल मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनको बेसिकली अकाउंटेबिलिटी उनकी लाए और उनसे आंसर उनको आंसरेबल बनाए पब्लिक के सामने, ठीक है। क्योंकि क्या होता है यदि इंटरनल इंक्वायरी होती है तो इंटरनल इंक्वायरी में बेसिकली कुछ ज़्यादा आउटपुट कभी नहीं निकलता है, चाहे आप वो हैदराबाद एनकाउंटर केस की बात करो या किसी भी एनकाउंटर केस की बात करो, आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि इंटरनल इंक्वायरी में कभी भी कोई बेटर आउटकम नहीं निकल पाता है। तो इसलिए ARC कमीशन ने बोला कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी के भी गठन किया जाए उस पर्टिकुलर केस के लिए। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ARC ने क्या क्या कारण बताए हैं कि पुलिस ये टॉर्चर क्यों करती है और कस्टोडियल डेथ क्यों होती है। तो आपको ये कारण पता होना चाहिए कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे वो अंडर स्टाफ्ड हैं, मतलब स्टाफ उनका काफ़ी ज़्यादा कम है, इसकी वजह से प्रति ऑफिसर यानी प्रति इंचार्ज काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड आता है उसकी लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा है कि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, प्लस एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एक्सपर्टाइज जो चाहिए वो एक्सपर्टाइज भी नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो टॉर्चर वाले रूट को अपनाते हैं ताकि एविडेंस को गैदर कर सकें, ठीक है। देन सेकंड पेज पे और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो जैसे इकोनॉमी रीओपनिंग इसमें पूरा यही दे रखा है कि जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद खुलती जा रही है वैसी वैसी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी स्टार्ट होता जा रहा है, बिल्डिंग्स बनने का काम स्टार्ट होता जा रहा है, इसकी वजह से जितने भी आपके बिल्डिंग ओनर्स हैं या जो आपके बिल्डर्स हैं वो जो मजदूर माइग्रेंट्स अपने गाँव वापस गए थे उनको वापस बुला रहे हैं, ठीक है। देन अगेन दिस इज़ अ स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑन बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड अमित शाह, ठीक है। देन ये आपका COVID-19 रिलेटेड न्यूज़ है। देन ये एक मन की बात प्रोग्राम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उसके बारे में है, इसमें सच कुछ भी हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन ये जो बैटिंग क्रिकेट में जो फिक्सिंग वगैरह वगैरह होती है इन सब के बारे में है, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। देन ये आपका प्लांट्स ओपन, वर्कर्स लाइनअप, मानेसर में जो मारुति का प्लांट है वहाँ पे वर्क फिर से स्टार्ट हो गया है, हालांकि इसमें वर्क पहले से स्टार्ट हो गया था बट इसमें कुछ कोविड पॉजिटिव वर्कर्स मिलने के बाद प्लांट को शट डाउन कर दिया गया था, ठीक है। जैसे आप इसमें इसे तमिलनाडु वाली न्यूज़ में ना आप थोड़ा सा इसमें ये भी देखो कि जो जुडिशियल रिपोर्ट है वो उसने क्या फाइंड आउट करा। सबसे पहले तो आप मेंशन करोगे कि जुडिशियल कोर्ट ने क्या बोला है, जुडिशियल कोर्ट ने सबसे पहले बोला है कि डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर, ठीक है। तो साफ साफ कोर्ट ने बोला है कि एक डिस्टर्बिंग एविडेंस है या डिस्टर्बिंग इवेंट है ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर का। उसके अलावा इसमें आप जुडिशियल रिपोर्ट का भी कोट कर सकते हो कि जुडिशियल रिपोर्ट जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है इसके इसमें उसमें रिपोर्ट ने साफ साफ लिखा है कि जो ये दोनों मैन थे इनको कंटिन्यूसली मारा गया, देवर कंटिन्यूसली बीटन अपॉन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी
पर्टिकुलरली द बैक पार्ट ऑफ बॉडी विद लाठीज. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ टॉर्चर डैट यू कैन शो इन द एग्ज़ाम. की जुडिशल रिपोर्ट में ये सब फाइंडिंग सामने आई हैं. हालांकि इसमें ये सब या लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि स्पेस बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास. बट अगेन, अगर कहीं आपको नीड पड़े तो आप ये मेथड ये कोट कर सकते हो कि लाइक इन तमिलनाडु केस में जुडिशल रिपोर्ट जो आई है उसने क्या अपना स्टेटमेंट दिया है. ठीक है, देन इसमें आप नीचे आओ. अच्छा, ये वाले पेज भी हमें स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि इन पेजों से भी हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. देखो कैसे, सबसे पहले तो आप ये कहीं भी आपको एग्जाम्पल कोट करना है कि हमें अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब व्यापार करने का, ऐसा व्यापार करना का जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तब आप वहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल कोट करोगे. जैसे महाराष्ट्र ने अपनी महापरवाना प्रोग्राम स्टार्ट करा है. महापरवाना बेसिकली क्या है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको एक फास्ट ट्रैक जो परमिशंस लेनी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए, वो आपको 48 घंटे के भीतर आपको मिल जाएगी इस वाले पोर्टल के थ्रू. ठीक है, इसमें क्या है, ऑल FDI इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, जो भी 50 करोड़ से ज़्यादा FDI आ रही हैं या कोई भी निवेश आ रहा है 50 करोड़ से ज़्यादा, उसको एक एश्योरेंस लेटर मिलेगा सरकार की तरफ से टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन विदाउट सीकिंग सर्टेन परमिट्स. ठीक है, बेसिकली रेड टेप्स को ईजी कर रहे हैं और बिजनेस एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं कि अब आपको ज़्यादा परमिशन वगैरह लेने में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, देन ये महाजॉब्स पोर्टल है. जैसे हमारा नेशनल करियर सर्विस है वैसी ही है महाजॉब्स पोर्टल है. इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ को जो अवेलेबल वर्कर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है ताकि वर्कर्स को नौकरी मिल जाए और इंडस्ट्रीज़ को काम करने के लिए वर्कर्स मिल जाए. दिस प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको कहीं भी एज अ सजेशन लिख सकते हो. इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़े बड़े क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार सेटअप करके देती है, और यदि किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करना होता है, अपना उद्योग यहाँ पे स्टार्ट करना होता है, तो उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने में टाइम व्यतीत नहीं करना पड़ेगा. उसको सब कुछ रेडी मिलेगा, वो जाए बस अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करे और इन रिटर्न सरकार को एक रेवेन्यू, एक रेंट देता रहे. ठीक है, इससे क्या होगा, जितना भी आपका जो टाइम होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में या कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन लेने में या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने में, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप कराने में, मशीन सेटअप कराने में, ये जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम वेस्ट नहीं होगा. आपको सब कुछ रेडी मिलेगा, आप बस जाओ अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करो और अपना बिजनेस को बढ़ाओ और सरकार को रेवेन्यू देते रहो. ठीक है, ये होता है आपका प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी इसको सजेस्ट कर सकते हो. ठीक है, देन इसमें कुछ ये आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है इंडिया का एंड लगभग 15% GDP में, भारतीय GDP में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी. देन जितना भी भारत में FDI आता है उसका 30% FDI महाराष्ट्र में जाता है. ठीक है, देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर 25 इंडिया का जितना भी आयात है उसमें 25% शेयर, उसमें 25% शेयर आपका महाराष्ट्र से आता है. देन महाराष्ट्र की जो प्रति पॉपुलेशन है वो 46% 24 साल से कम है. देन जो स्टेट है इसका लिटरेसी रेट लगभग 82% है. ठीक है, देन ये कुछ आपको स्ट्रेट फैक्ट्स आपको कहीं भी प्रीलिम्स में, मेंस में, कहीं भी आपको कोट करने के लिए मिल जाएंगे. और जो महाराष्ट्र PCS सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल न्यूज़ है. ठीक है, देन उसके बाद ये COVID-19 रिगार्डिंग न्यूज़ है, इसको स्किप कर सकते हैं हम. देन आपका सिक्योरिटी गार्ड्स हैंग हिमसेल्फ, देन कैबी हेल्प ओवर फेक ऑनलाइन, नथिंग इम्पॉर्टेंट. नीचे आ जाओ, देन अगेन जिसमें ये नथिंग कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसमें यही बोला है कि लॉकडाउन में जो स्ट्रीट क्राइम है जैसे चेन स्नैचिंग हो गया, आपका चोरी हो गया, मोबाइल की चोरी हो गया, पर्स की चोरी हो गई, ये सब 56% लॉकडाउन के समय पे कम हो गया. एंड ऑब्वियसली जब लोग सड़कों पे ही नहीं होंगे, मार्केट बंद है, तो चोरी चकारी भी खुद ही कम हो जाएंगी. इसमें सच कुछ भी नया नहीं है. ठीक है, देन अगेन ये सब वो है, गुड़गांव और फरीदाबाद के मॉल्स July 1st से खुल रहे हैं. देन ये एडिटोरियल्स हैं,
एडिटोरियल में देखो जो ये करतारपुर वाला ब्रिज का जो एडिटोरियल है, इसमें बेसिकली क्या है कि अभी हमने देखा था कि कुछ समय पहले इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी अपने 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 देश में एक दूसरे के जो आपके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अपने अपने हाई कमीशन की जो उनकी स्ट्रेंथ है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, उसको आधा करने के लिए बोला था, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में एक स्पाई वर्सेस स्पाई चल रहा था, जिसमें भारत बोल रहा था कि पाकिस्तान अपने हाई कमीशन के द्वारा इंडिया में स्पाइंग करा रहा है, मतलब जासूसी करा रहा है, और पाकिस्तान भी सेम ब्लेम इंडिया पर लगा रहा था। तो इसके बावजूद क्या हुआ था, 30 मार्च को करतारपुर कॉरिडोर को पाकिस्तान के द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ राइजिंग COVID-19 केसेस। तो अभी 2 दिन पहले वहाँ पे कोविड फिर से करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करने के लिए पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ सजेशन बढ़ाया है, तो जिसपे इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं करा है। हालांकि इस एडिटोरियल में पूरा यही बोला गया है कि इंडिया को क्यों इस टाइम करतारपुर कॉरिडोर खोलने का सजेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखो इसमें सबसे पहले तो यही बोल रहे हैं कि अभी जैसे हमारा इंडिया चाइना के साथ इशू चल रहा है, तो हमें पाकिस्तान का ऑफर, करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि हम ये एक शोकेस कर सके पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को दैट इंडिया और चाइना का इशू से इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अफेक्ट नहीं होता है, राइट। उसके बाद इसने ये रीज़न दिया, मतलब बेसिकली कहना चाह रहा है कि इंडिया चाइना अलग है और इंडिया पाकिस्तान अलग है, ऑल दो दोनों में रिलेशन पूरा पूरा है, और चाइना का ये जो स्टेप है वो आर्टिकल नंबर 370 की वजह से ही आया है, क्योंकि उसका सीपैक जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन से पास होता है, जो POK के तहत आता है, जिसको इंडिया ने अपना हिस्सा दिखाया है, और इसके अलावा उसने अक्साई चीन को भी अपने भारतीय मूल का हिस्सा दिखाया है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। तो पहला रीजन यही है कि अगर हमें दिखाना है कि इंडिया पाकिस्तान के इंडिया चाइना के डिस्प्यूट में इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अफेक्ट नहीं होता है, वो उससे इंडिपेंडेंट है, तो हमें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। देन दूसरा रीजन ये बोलता है दैट चाइनी जो आपके दिस करंट मोमेंट व्हेन इंडिया इज फेसिंग मिलिट्री क्राइसिस वर्स रिलेशन विद द सेकंड, इट वुड टेलीग्राफ इंडियाज इंटेंशन एंड डिटर्मिनेशन टू कीप इट्स रिलेशन विद द टू कंट्रीज सेपरेट है। मैं ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन उसके बाद ये बोलता है पाकिस्तान प्रोबेबली एक्सपेक्ट इंडिया टू स्पन द ऑफर, मतलब इस कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान ये एज्यूम करता है कि इंडिया इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इस वजह से वो अपनी लोगों में ये प्रोपोगेट कर सकता है, अपने पाकिस्तानी लोगों में ये प्रोपोगेट कर सकता है कि पाकिस्तान ने तो भारत की तरफ एक फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया था, पर इंडिया ने उस चीज़ को, भारत ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंडिया को ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये इसमें कुछ रीजंस हैं। हालांकि इसमें ये भी बोला है कि हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि COVID-19 इसका फ़र्क हमारे COVID-19 पे, जो हमने COVID-19 तक अभी तक एफर्ट्स किया है उस पे ना पड़े। देन उसके बाद दूसरा आपका एडिटोरियल ये है, जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, कि निर्मला सीतारमण ने COVID-19 पैकेज के रूप में 3 लाख करोड़ का एक पैकेज MSMEs के लिए दिया गया है, जिससे वो लोग आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या है, इस स्कीम में कुछ नेगेटिव पॉइंट दिए हैं कि अगर यदि हमें इस स्कीम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, तो हमने जिन लोगों को इस स्कीम में इंक्लूड नहीं कराया है, हमें उन लोगों को भी इंक्लूड करना है। जैसे इस स्कीम के तहत जो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं, वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं है, और जिनका अकाउंट NPA कन्वर्ट हो चुका है, मतलब जिन्होंने 90 दिन तक ना कोई इंटरेस्ट वापस करा है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट वापस करा है, वो भी इस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, इस पूरी स्कीम का इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। देन इसमें मोनालिसा विद अ मास्क में कुछ भी ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, देन इसमें भी एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे कि ये बेसिकली ये जो पूरा ओपिनियन है ना, ये एक मूवी आई है आपकी, मूवी का नाम है आपका एग्जॉन, ये कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में मूवी है। मूवी इसमें काफ़ी बताया कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया है इसमें। सर्च दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट सर्च फॉर अ नॉर्थ ईस्ट गर्लफ्रेंड, तो आप ये मूवी देख सकते हो।
ठीक है, हालांकि हमें ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट हाँ इसमें एक ऐसी लाइंस जैसे ये है कि रेसिज्म एंड इनइक्वालिटी आर इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म ऑफ वायलेंस, ठीक है, ऐसी लाइनें आप मेंस के लिए कॉपी कर सकते हो इसमें, ठीक है। देन इसमें अगेन इंडिया चाइना के ऊपर पीस ट्रब्दान का कॉलम आया है, ये बेसिकली हमारे फॉर्मर एम्बेसडर थे, ठीक है, एम्बेसडर थे। इनका क्या है कि इन्होंने ये सजेशन दिया है कि इस लद्दाख इंट्रूजन से जो जो चाइना ने एलएसी को वायलेट करके हमारी लैंड गलवान वैली की तरफ अपने नया एलएसी सेटअप करने का दावा किया है, उससे उसके तीन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला है टू सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट ऑन इट्स टर्म्स, मतलब अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी अपने विल के अकॉर्डिंग, अपनी अपने शर्तों के अकॉर्डिंग वो इस बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। सेकंड, इट इंटेंड्स टू सॉल्व द तिब्बत प्रॉब्लम इंटरनली एंड डज नॉट वॉन्ट एनी इंडियन इंटरफेरेंस इन द दलाई लामा डेवलपमेंट्स, मतलब जैसे कि अब ये तिब्बत, आपका तिब्बत पॉइंट पे वो बेसिकली क्या चाहता है, ये तिब्बत हमेशा पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है इंडिया चाइना के बीच में। इनफैक्ट 1962 का जो वॉर हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को इंडिया में रहने दिया था एग्जाइल में, ठीक है, तो इससे चाइना ऑफेंड हो गया था। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि इस लद्दाख इंट्रूजन से बेसिकली चाइना ये एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि तिब्बत उसका एक अंदरूनी मामला है जिसमें भारत हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। देन तीसरा, अगेन दिस यूएस लेड क्वैड, ठीक है, क्वैड क्या है आपका, क्वैड ये है आपका बेसिकली चार कंट्रीज़ का एक संगठन है, यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी फिलहाल में ऐड हुआ है, जो बेसिकली कहता तो नहीं है बट एक ये एंटी चाइना संगठन है, क्योंकि चाइना क्या है अपना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहा है साउथ चाइना सी पे, इंडियन ओशन पे, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए ये एक चार ताकतवर देशों का समूह बना है, एक चार ताकतवर देशों का संगठन बना है, ठीक है, जो चाइना की जो ये एनसर्कलिंग पॉलिसी है उसको बेसिकली काउंटरैक्ट करता है। देन उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिए हैं, देखो ये बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि आपको इंडिया चाइना इशू को बहुत अच्छे से समझना है तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस को थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी ये सब पॉइंट आप याद, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ये सारे पॉइंट याद रख पाओ, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बट एक यदि आपको ओपिनियन पढ़ना है तो आप ऐसे पॉइंट्स को थोड़ा सा निकाल के बाहर रख लो, जिससे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि अक्साई चीन का क्या रिलेशन है, गिलगित बल्तिस्तान का क्या रिलेशन है, क्यों इस बार लद्दाख में इंट्रूजन किया गया है, क्योंकि अभी तक क्या था अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में इशू फेस ऑफ होते थे, लद्दाख में इस बार गलवान वैली में हुआ है तो एक नया एरिया ऐड हुआ है इंडिया चाइना इशू में, तो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। ये आप इसमें से थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, ईजीली समझ में आ जाएगा आपको इसमें, ठीक है। देन उसके बाद ये थोड़े से नाम याद रखना, स्काई सगम वैली, ठीक है, अक्साई चीन रीजन, देन आपका ये मनसेर एनक्लेव नियर मानसरोवर लेक, देन चाइनाज मिनिमल डिमांड एट तवांग इज नॉन नेगोशिएबल एंड हैड बीन एयर थ्रू चाइनीज अकेडमिक्स, इफ इंडिया फॉल्स फॉर सम काइंड ऑफ चाइनीज पोजिशन ओवर अक्साई चीन बीचिंग विल देन शिफ्ट द फोकस ऑफ, तो बेसिकली एंड में इन्होंने जो कंक्लूड करा है उन्होंने यही कंक्लूड करा है, बेसिकली पूरे ओपिनियन में वो ये कहना चाहते हैं कि अक्साई चीन रीजन जो भारत ने अपने नए मैप में अपने भारत का हिस्सा दिखाया है, चाइना उसको वापस पाना चाहता है, ठीक है, और यदि इंडिया एग्री कर गया कि अक्साई चीन को उनको दे देना है तो याद रखना चाइना फिर अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेगा, अरुणाचल प्रदेश उसकी नेक्स्ट डिमांड होगी। तो अल्टीमेटली कहना यही चाहते हैं वो कि जो चाइना के साथ आपका बॉर्डर इशू है उसको आप अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो, यदि आपने एक रीज़न का इशू सॉल्व कर दिया तो वो दूसरी बार अपने दूसरे रीज़न में डिमांड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाली न्यूज़ होती है 86% जंप इन मनरेगा, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, 86% इन जंप इन मनरेगा डिमांड इन डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट माइग्रेंट्स रिटर्न टू, ठीक है।
ठीक है, अब इस न्यूज़ को पढ़ना कैसे है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अभी हम ना इस न्यूज़ को पढ़ेंगे बेसिकली, जो हमारी जो अभी नई हमारी स्कीम आई है ना, ये वाली स्कीम गरीब रोजगार योजना, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसके तहत 116 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है 6 स्टेट के अंदर, जिसमें बिहार में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करी गई हैं। उसमें जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं उनको 125 दिन का कार्य देने का वादा किया गया है। बिल्कुल सेम मनरेगा जैसा है, बट टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है इसमें थोड़ी सी, और मनरेगा का पूरे स्कीम में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो 25 एरिया सेलेक्ट करे गए हैं इस स्कीम के तहत जिनमें काम मिलेगा, वो भी मनरेगा के तहत ही आते हैं, पर पूरी स्कीम में मनरेगा का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो हम जो ये पूरी न्यूज़ है मनरेगा के रिगार्डिंग में, कितना डेटा, कितने नंबर ऑफ़ जॉब्स की डिमांड इंक्रीज़ हुई है, उसको बेसिकली हम प्रधान ये आपका जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसको जस्टिफाई करने में लिखेंगे। मतलब हाँ कि हमें इस स्कीम की ज़रूरत थी, जैसे कि हमें देता है कि जो मनरेगा पोर्टल है उस पर जो हमारा डेटा आया है उसमें दिखाई दिया है कि जो मनरेगा वर्क की डिमांड है इन 116 डिस्ट्रिक्ट में वो 89 मतलब ऑलमोस्ट 90 लाख पहुंच गई है मई में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में ये प्रीवियस ईयर में ये सिर्फ 48 लाख थी, ठीक है। लास्ट यानी 2019 मई में सिर्फ ये 48 लाख थी, यानी इसमें लगभग 85% की बढ़ोतरी आई है डिमांड में, ठीक है। इन 116 डिस्ट्रिक्ट में से 32 डिस्ट्रिक्ट आपकी बिहार की हैं, 31 आपकी यूपी की हैं, 24 एमपी की हैं, 22 राजस्थान की हैं, 3 झारखंड की हैं और 4 उड़ीसा की हैं, ठीक है। तो आपको ये नाम याद याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। इसमें जब हम 6 स्टेट्स की बात करेंगे उसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 313% की बढ़ोतरी आई है डिमांड में, मनरेगा की वर्क की डिमांड में, ठीक है। आप देखोगे इसमें ये सारे कुछ डेटा हैं, पूरा डेटा याद नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि हाँ इन 116 जो डिस्ट्रिक्ट इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सेलेक्ट की गई हैं, इसमें मनरेगा में वर्क में लगभग 85% की बढ़ोतरी आई है, तो इसलिए ये 116 डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में ये 116 डिस्ट्रिक्ट थी क्यों सेलेक्ट करी गई हैं, ठीक है। देन उसके बाद रिवर्स माइग्रेशन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देन ये आप देखोगे कि अंडर द न्यूली लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार स्कीम, हम इसमें ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं कि 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक वर्क 50,000 करोड़ के बजट में लिया गया है। देन उसके बाद ये जो 25 वर्क्स हैं लिस्ट विच इंक्लूड सेंटर स्कीम सच एज जल जीवन मिशन एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डज नॉट मैंशन मनरेगा। हालांकि मनरेगा कहीं भी मेंशन नहीं करता है, हालांकि जितना भी वर्क है वर्क डन अंडर दिस स्कीम, फार्म जैसे कि फार्म पॉन्ड्स, कैटल शेड्स, गोट शेड्स, कंस्ट्रक्शन और पंचायत बिल्डिंग एक्सेट्रा, वो सब मनरेगा में भी लिस्टेड है, ठीक है। अब देखो इशू क्या, अगेन पॉलिटिकल इशू है, मनरेगा कांग्रेस गवर्नमेंट का है तो उसके काउंटर एक्ट में बीजेपी ने ये स्कीम निकाली है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, बट हमें पॉलिटिकली आंसर नहीं लिखना है, तो आपको अगेन जस्टिफाई करना है कि हाँ इन 116 डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम की ज़रूरत थी, ठीक है। तो हमें इस न्यूज़ से पूरा ये चीज़ हमें नोट डाउन करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपका है कि ये लास्ट पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट, लास्ट पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, दैट अक्रॉस द कंट्री द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दैट अवेल्ड वर्क अंडर मनरेगा दिस मे रीच द हाइएस्ट एवर फिगर ऑफ लगभग 3.29 करोड़, जो कि पिछले साल जो मई में था 2 करोड़ की डिमांड से काफ़ी ज़्यादा अधिक है, ठीक है। देन इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा पूरा बनता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। इसमें नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत ने सजेस्ट करा है कि लॉकडाउन के बाद, यानी जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, ऑलरेडी कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ठीक है। और जो ये आपके नए केसेस आएंगे वो बेसिकली लैंडिंग मतलब जो लेनदार होते हैं, लेनदार को पैसा वापस नहीं करेगा तो वो कोर्ट में जाएगा, देन लेबर डिस्प्यूट होंगे, लेबर को
सैलरी नहीं मिलेगी कंपनी को, तो वो लेबर कोर्ट में जाएगा, रेंट के रिगार्डिंग में आएगा, ये सारे केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। तो हमें इसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को हमें प्रमोट करना चाहिए। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में क्या होता है कि आपको बेसिकली फिजिकली कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मीडियम से एक स्पेशल कोर्ट रूम बनाया जाएगा, जैसे हमारा जैसे फॉर एग्जांपल एक जूम हो गया या फिर गूगल मीट हो गया। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा कि एक जज बैठा होगा और दोनों पार्टी सामने सामने बैठी होंगी और जो भी डिस्कशन होगा वो सब ऑनलाइन मीडियम से होगा। ऐसे ही एक दूसरा चैट रूम बन जाएगा उसके अंदर, जिसके तहत आप लोग जितने भी एविडेंस है वो सब वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जज उसको ऑनलाइन मीडियम से वेरीफाई कर लेगा और अपना डिसीजन दे देगा। अब इसकी ज़रूरत बेसिकली क्यों पड़ती है हमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की, क्योंकि आप जब देखते हो कोर्ट में जो डिले होता है केसेस में, जो बहुत सालों से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, क्यों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, केसेस इसलिए पेंडिंग पड़ रहे हैं क्योंकि जो कोर्ट डेट देती है उसमें दोनों पार्टी का शेड्यूल मैच नहीं होता है। एक पार्टी बोलती है नहीं इस दिन डेट मत दो, दूसरे दिन डेट दो, दूसरी पार्टी बोलती है नहीं इस दिन डेट मत दो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम दोनों पार्टीज़ को शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, ताकि अब ये जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है जिससे क्या होता है शेड्यूल कन्फ्लिक्ट होते हैं पार्टीज़ के, वो चीज़ अवॉइड हो जाए और दोनों पार्टीज़ एक समय पे कोर्ट में आ सकें थ्रू द ऑनलाइन मीडियम। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट कॉस्ट होती है कि कोर्ट बनाओ और उसके बाद ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई, ये सब कॉस्ट भी ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। कि मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अब नए नए केसेस आएंगे ना, इनको अगर हमें सॉल्व आउट करना है तो हमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को प्रमोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक इस पूरा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए और आपका एक बेसिकली ओपिनियन होना चाहिए कि ऑनलाइन ODR ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को प्रमोट करें या प्रमोट ना करें। ठीक है, देन इस पेज में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है इसमें। ठीक है, देन ये एक ये वाला न्यूज़ है, इसमें कोविड एक्सपोजर नोटिफिकेशन डेवलप्ड बाय एगल बिंग्स, अगेन ये नॉन रेलिवेंट न्यूज़ है, UPSC के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल भी और इम्पॉर्टेंट नहीं है बेसिकली UPSC के लिए, हालांकि मैं आपको इससे आगे समझा दूंगा। इसे एक्सप्लेन पेज में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है कि ऐसा क्यों है। अब जैसे ये है, आनंदीबेन पटेल गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश, तो हमें पता होना चाहिए कि बहुत ही, वैसे तो सबको ही पता होता है कि जो अमेंडमेंट एक्ट सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट आई थी, उसके बाद से जो गवर्नर्स हैं उनको एक गवर्नर को एडिशनल दूसरे स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नर एक, यदि यूपी का गवर्नर है तो उसे दूसरे स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है उसमें। ठीक है, देन जैसे ये हमारा T1 वीज़ा हो गया, जैसे H1B वीज़ा होता है US के लिए, तो एक ये T1B वीज़ा होता है नॉन वर्क वीज़ा। हालांकि ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जैसे कि आप देखो H1B वीज़ा कब से ज़्यादा का ऑलमोस्ट 2015-16 से न्यूज़ में चल रहा है, बट अभी तक UPSC ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चन एक जनरल स्टडीज़ के ऊपर हो जाते हैं, थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। बट स्टिल मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि T1 वीज़ा जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है वो एक टूरिस्ट वीज़ा है। ठीक है, वो एक टूरिस्ट वीज़ा है और आप इस वीज़ा पे आके भारत में आके कोई भी इकोनॉमिक, कोई भी आर्थिक काम नहीं कर सकते हो। तो ये जो बांग्लादेशीज़ हैं जिनको अभी हेल्ड किया गया है, वो बेसिकली भारत में टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, बट जब इनके इन्वेस्टिगेशन करी तो वो यहाँ पे किसी आर्थिक काम में लगे हुए थे। ठीक है, देन यस दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कुछ कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी करी है जिसमें उन्होंने ये फाइंड आउट करा है कि पूरे वर्ल्ड में जो रिच लोग थे वो और ज़्यादा रिच हुए हैं इस पूरे पेंडेमिक के दौरान, और गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है। तो इससे ये ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि जो डिवाइड है बिटवीन पुअर एंड रिच वो और इंक्रीज होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, इनइक्वालिटी ऑलरेडी बहुत हाई है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि पूरा वर्ल्ड में जो 1% रिच लोग हैं, जो टॉप 1% रिच लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड की 70%
इकोनॉमी को संभालते हैं, वो पूरे वर्ल्ड के 70% इकोनॉमी को, 70% अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि इस पेंडेमिक के बाद ये इनइक्वालिटी और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिच जो लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर बने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि द टोटल वेल्थ ऑफ बिलीनियर्स वॉज 3.5 ट्रिलियन, अप 19% फ्रॉम द लो पॉइंट नियर द बिगनिंग ऑफ द पेंडेमिक। मतलब ये जो बिलेनियर्स हैं इनकी जो पूरी नेट वैल्यू है उसमें पेंडेमिक के बाद से लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो जेफ बोजस अमेजोन का जो ऑनर है, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे वो इंडिया का मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो साइरस पूनावाला हो, जेफ बेजोस हो, ठीक है। तो इसमें ये रिपोर्ट बेसिकली बोलती है, तो आप ये पॉइंट कोट कर सकते हो कहीं भी आपको मेंस में ज़रूरत पड़े तो, कि एज पर आ रिपोर्ट। अच्छा, आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जब आप मेंस में पॉइंट लिखते हो तो आपको रिपोर्ट, जिसने रिपोर्ट बनाई है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना आपको कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो एज पर आ स्टडी, एक रिसर्च के अनुसार, एक शोध के अनुसार यह माना गया है कि इस महामारी के दौरान जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है, इससे अमीरों और गरीबों में असमानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो, और इसी शोध के अनुसार जो वर्ल्ड के बिलीनियर्स हैं उनकी पूरी नेट एसेट वैल्यू 19% से इंक्रीज हुई है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको ये वर्ड थोड़ा सा याद रखना, अ लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है, LAV क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब आपको पोलियो वैक्सीन लगती है बचपन में या फिर जो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, उस पोलियो की ड्रॉप्स में क्या होता है, बेसिकली उसमें लैब में जो पोलियो का वायरस होता है उसको काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया जाता है, ताकि वो जब बॉडी में डाला जाए, बॉडी में वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट किया जाए, तो वो बॉडी को अफेक्ट ना कर पाए, और पर वायरस तो जा रहा है ना, तो उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में खुद ही एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है, इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन, हम उस पैथोजन को अपनी बॉडी वीक करके, काफ़ी ज़्यादा वीक करके, लैब में पहले हम उसको वीक करते हैं, उसके बाद हम उसको अपनी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, ताकि कि जिससे कि कभी भी स्ट्रॉन्ग वायरस, जब वही स्ट्रॉन्ग वायरस हमारी बॉडी में आउटसाइड से एंटर करे, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पहले से रेडी रहे और उस वायरस का हमारी बॉडी पर फ़र्क ना पड़े। ये पूरा कंसेप्ट होता है वैक्सीन का, ठीक है। देन वाई इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग लेस एंड लेस ऑयल, ठीक है, इंडिया ने अपना ऑयल प्रोडक्शन क्यों कंटिन्यूसली कम करता जा रहा है। देखो, एक तो रीज़न ये दे सकते हो कि आप पेंडेमिक के टाइम पे आपका डिमांड कम है तो इसलिए ऑयल प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, रेट काफ़ी कम है तो इस वजह से ऑयल प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है, ये सब ठीक है। बट आप जब देखोगे ना ऑयल प्रोडक्शन, तो 2012 से ही हमारा ऑयल प्रोडक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली वो डिक्रीज होता जा रहा है, और हमारा जो इम्पोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, इसमें ना अगेन टेक्निकल न्यूज़ है थोड़ी सी, टेक्निकल न्यूज़ ये है कि जो हमारे तेल के कुएँ हैं, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होते जा रहे हैं, तो अब जैसे ही तेल के कुएँ हमारे ओल्ड होते जाएंगे तो उनमें पेट्रोलियम की क्वांटिटी भी कम होती जाएगी, तो जब पेट्रोलियम की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, हमारे पास कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं, जैसे CO2 इंजेक्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम इंजेक्ट करना, जिससे क्या होता है, हम जो रिजर्वॉयर है उसमें हम CO2 को इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जो तेल अब रिजर्व ऑयल यानी कुएं की सतह पे होता है वो तेल ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है और हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ CO2 इंजेक्शन हो गया, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन हो गया, ऐसी वाटर इंजेक्शन होता है जिसमें वाटर को काफ़ी प्रेशर से रिजर्व ऑयल के नीचे वाले हिस्से में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जो बिल्कुल सतह पे जो ऑयल लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो जाए, वो पूरा का पूरा तेल ऊपर की तरफ फ्लो हो जाए,
ठीक है, और उसको हम फिर विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न ये है कि हमारा जो वेल्स हैं, जो तेल के कुएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं और जो हमारी नई डिस्कवरीज है वो काफ़ी स्लो लेवल पे है। ठीक है, देन इसमें बोला है डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन कंपनीज आर ट्राइंग टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ करेंटली ऑपरेशनल वेल्स, क्योंकि नए नए वेल्स, नई ऑयल वेल्स मिल नहीं रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, जो हमारे पास करंटली ऑपरेशनल वेल्स हैं उनकी ही लाइफ बढ़ाई जाए इन सब टेक्निक के द्वारा, जैसे CO2 इंजेक्शन हो गया या वाटर इंजेक्शन हो गया आपका। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, देन वाई आर दे आर नॉट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो डोमिनेटिंग नहीं है इस फील्ड में। दो PSUs हैं, ONGC एंड ऑयल इंडिया, जो पूरे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डोमिनेट करती हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जैसे कि आपकी हो गई केन इंडिया हो गया आपका, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया आपका, हेलीबर्टन हो गया, जो आपके प्राइवेट एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व लगे हुए हैं। पर इनका इशू यही है, सबसे पहला इशू है कि एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं वो क्या बोलते हैं कि लॉन्ग डिले इन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन इवन आफ्टर एन ऑयल ब्लॉक इज अलॉटेड, कि यदि किसी प्राइवेट कंपनी को ऑयल ब्लॉक यदि अलॉट भी कर दिया आपने, तो उसको ऑपरेशनलाइज करने में, मतलब एक तो होता है आपने बिडिंग से उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, पर अब उसको ऑपरेशनलाइज करने में आपको कुछ परमिशन चाहिए, जैसे एनवायरमेंटल परमिशन चाहिए आपको और बहुत सारी परमिशन बेसिकली चाहिए होती हैं, सब परमिशंस याद नहीं करनी होती हमें। ठीक है, बट इतना लिखना है कि लॉट मैनी परमिशंस हैव टू बी टेकन, और उस परमिशन को लेते लेते उनको क्लियर कराते करते लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से अलॉटमेंट और प्रोडक्शन में 6 से 7 साल का गैप आ जाता है। ठीक है, देन आप इसमें थोड़ा सा ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग प्रोग्राम 2019 में आया था, इस प्रोग्राम के तहत जो कंपनीज हैं दे कैन सेलेक्ट देयर ब्लॉक्स ऑन देयर ओन, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, और उसमें अब उनको जो रॉयल्टीज जो सरकार को रेवेन्यू देना होता है वो भी कम पे करना है और ऑयल सेस नहीं देना है। ठीक है, हालांकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो जो पहले से उनके पास जो ऑयल ब्लॉक्स हैं उसमें भी इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, देन उसके अलावा क्या होता है कि ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, कभी उसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, कभी उसके प्राइस डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इन्होंने एक चाइना का एग्जांपल दिया है, जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट एक बेसिक कॉस्ट तो हर कंपनी को प्रोवाइड करती ही करती है, चाहे ऑयल का प्राइस कितना भी जाए, बढ़े या घटे, एक बेसिक प्राइस तो चाइनीज़ गवर्नमेंट एक फ्लोर प्राइस तो कंपनीज़ को देती ही देती है। तो उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट करी है कि यही चीज़ भारत में भी लागू कर देनी चाहिए। ठीक है, देन अगेन इम्पॉर्टेंट देखो, इम्पॉर्टेंट इसमें API है, टेक्निकल इशू है, बिल्कुल भी UPSC के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन ये कुछ आपको BRI के बारे में कुछ स्पेक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडर द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आर ईदर एडवर्सली और पार्शियली अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो आपको कुछ डेटा मिल जाएगा, जैसे कि अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द BRI, यानी 20% प्रोजेक्ट जो BRI के अंदर हैं, जिसका मेन टारगेट है, जिसका मेन उद्देश्य है कि व्यापार और निवेश को बढ़ाना है अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब एरिया में चाइना का ट्रेड बढ़ाना है और चाइना का इन्वेस्टमेंट इन सब कंट्रीज़ में बढ़ाना है। ठीक है, देन इसके बाद ये BRI का दूसरा एम, इट एम्स टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट, CPAC विच कनेक्ट्स ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान बलूचिस्तान विद चाइना जिंगजियांग प्रोविंस इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द BRI। ठीक है, तो ये कुछ BRI के तहत जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सियान क्यूविल, SEZ, इंडोनेशिया जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड रेल, ये कुछ स्पेसिफिक आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी BRI के बारे में। ठीक है, देन ये आपको कोविड के रिगार्डिंग कोई डेटा मिल जाएगा, दैट नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप में लगभग 25% केस हैं सब में। ठीक है, और एशिया और मिडल ईस्ट में लगभग 11% और 9% केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन NYC प्राइड मार्च पता होना चाहिए, जिसमें गे मैरिजेस को लीगल, गे राइट्स मूवमेंट है बेसिकली ये आपका। ठीक है,
देन ये एक पाकिस्तान इशू है, आप इंडिया पाकिस्तान इशू में लिखोगे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो आपका ये वाला ऑर्डर पास हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर ऑफ 2018 पास्ड बाय द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। इसके तहत उसने पाकिस्तान सरकार को गिलगित बल्तिस्तान रीजन में इलेक्शन करवाने की अनुमति दी थी, जिसके तहत इंडिया ने अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था। ठीक है, कि इंडिया ने काफ़ी डिनाई किया था कि पाकिस्तान ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसमें मटीरियल चेंज लाना चाह रहा है, उसके स्टेटस क्यू में चेंज लाना चाह रहा है। ठीक है, देन वहाँ पे अगस्त 18 में आपका ये है। देन उसके बाद आपका ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो क्योंकि इस टाइम क्या डिजिटल इंडिया प्रमोट हो रहा है, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस वो हो रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन सर्विसेज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ऑनलाइन कंपनीज हैं जैसे अमेजोन, पेटीएम मॉल, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। ये LIC की जो न्यूज़ है ना, ये इररिस्पेक्टिव है बट इकोनॉमिक ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट इम्पॉर्टेंट इसमें हाईलाइट कर दिया। जैसे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे LIC इज लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देन इस पर हम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये भी एक डेटा है कि एज पर इंडस्ट्री एस्टिमेट चाइनीज टेलीकॉम गियर वेंडर्स हैव अबाउट 25% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक मार्केट शेयर। ठीक है, ये तो आपको नोट कर लेना कि एयरटेल लगभग 30% चाइनीज इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती है, वोडाफोन लगभग 40% का इस्तेमाल करता है। ठीक है, देन ये एक आपको डेटा मिलेगा, प्राप्ति पोर्टल देख लेना क्या होता है। प्राप्ति पोर्टल बेसिकली डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और जो जनरेटिंग कंपनीज होती हैं उनके बीच में कितना रेवेन्यू बचा है, कितना रेवेन्यू बकाया है, कितना ये सब है, वो सब इसके बारे में आप प्राप्ति पोर्टल से देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इस पोर्टल को लॉन्च करा है, उसमें से कुछ डेटा दिया गया है, आप डेटा इसमें से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, देन ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, ये इंडिया के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड और यूनाइटेड किंगडम ने मिलके इसको ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड को लॉन्च करा है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, ऐसा जिसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, किसी को किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट होता है इसमें तो डायरेक्टली कमेंट कर देना। ठीक है, जो न्यूज़ हाईलाइट करी है सिर्फ आपको उनको ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि जो दिल्ली का जिमखाना क्लब है, जिसको हम एलाइट क्लब भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ सेलेक्टेड हायर ऑफिसर्स को ही मेंबरशिप मिलती है, तो उसके तहत ये प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट है बेसिकली ये, और कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो NCLT ने इसमें बोला है दैट क्लब हैड द राइट टू फंक्शन एज इट इज चूजन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम आप आर्टिकल नंबर 14 को वॉयलेट नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है कि एनसीएलटी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बोला है कि आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 से ज्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, नहीं, आर्टिकल 19 के तहत आपको क्लब्स वगैरह उसको ऑपरेट करने का राइट है, बट आर्टिकल 14 में भी राइट टू इक्वालिटी है, मतलब आप अपनी मेंबरशिप को सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को लिमिट नहीं कर सकते हो, आपको अपनी मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये कहीं भी कोट कर सकते हो इस वाले केस को, जिसमें NCLT ने बोला है कि आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल 19 से ज़्यादा वैल्यूएबल है। कहीं भी कोई भी क्लब पे कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये शो करना है कि इसमें सिर्फ कॉमन लोगों को मेंबरशिप नहीं मिलती है, आप ये NCLT की ये वाली रूलिंग्स को आप दिखा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, वो कमेंट कर सकता है, आप मेल कर सकते हो, और डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।